हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का वीडियो है रिव्यू वीडियो ऑन माय ग्लैम टोटल मेकओवर एफएफ क्रीम 5-in-1 प्राइमर कंसीलर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट विद एसपीएफ 30 एंड स्किन टोन करेक्टर पैलेट के ऊपर। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा चैनल है मेकअप के ऊपर। आप मेरे चैनल पे मेकअप वीडियोस देख सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग अप्लायंस के ऊपर रिव्यू देख सकते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज आपको मिल जाएंगे, हेयर स्टाइलिंग भी थोड़ी बहुत मैंने की हुई है और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। मेरे चैनल पे आपको व्लॉगिंग भी मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग हैं गाइस, प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और चेक कीजिएगा सारी वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है गाइस, क्योंकि पैकेजिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होती है। जैसे आप देख सकते हैं ऐसे बहुत हाई एंड जो इसकी पैकेजिंग है वो लगती है प्रोडक्ट की। ये आउटर है और इस पर आपको पीछे इसकी सारी जो भी इन्होंने क्लेम्स वगैरह इन्फॉर्मेशन, इसकी प्राइस, इसका एक्सपायरी वगैरह सब मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस यहाँ पे है वो है 1450 रुपीज़। नेट वेट इन्होंने सबका दिया है 6.5 ग्राम, ये फाउंडेशन का है, 2.0 ग्राम और ये कंसीलर का है और 2.0 ग्राम ही ये करेक्टर का है। तो टोटल 10.5 ग्राम इसका नेट वेट है। दिस इज़ फॉर्मुलेटेड इन इटली। इसमें आपको SPF 30 भी मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा था SPF 30। अब मैं खोलती हूँ इसको ऐसे, ये इसमें आता है एक कुशन बॉक्स में। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है ताकि अगर ये नीचे गिर जाए गलती से तो ये टूटे ना। तो इसको खोलने के बाद आपको ये इसकी इनर पैकेजिंग है, ये मिलता है आपको। ये गोल्डन कलर की इसकी लिड है, पीछे वाइट कलर में दिया गया है और सेम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और इस पे वाइट कलर से M लिखा हुआ है बड़ा सा, माय ग्लैम, और यहाँ पे इसका नाम। और जब आप इसको खोलते हो तो काफ़ी बड़ा मिरर आपको इसमें दिखेगा और ये है इसका एक्चुअल प्रोडक्ट। ये फाउंडेशन है, ये करेक्टर है और ये कंसीलर है। तो इसकी जो पैकेजिंग है सेम टू सेम ये इसके जैसी है, जो चिजलिट पैलेट की जो पैकेजिंग है वो सेम, इन दोनों की सेम ही पैकेजिंग है। तो मुझे पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है इसकी भी, क्योंकि ये सेम इसमें आपको मिरर साइज़ का मिल रहा है। इसका भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया, जैसे मैंने आपको बताया कि माय ग्लैम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू अपने चैनल पे किया हुआ है। तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको चेक करना है तो आप देख सकते हैं। और इसका जो शेड है वो है लाटे, और इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। इसमें आपको मिल जाएगा कोको और साथ में कैपेचिनो, लाटे जो मेरे पास है, हनी, हेज़लनट, तो ये सारे इसमें शेड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। लाटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है मेरे स्किन टोन के ऊपर, तो अभी तो आपको मैच्ड दिख रहा होगा क्योंकि मैंने नेक पे भी लगाया है, बट ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा मुझे पिंक अंडरटोन में ज़्यादा लग रहा है, इसकी जो फाउंडेशन है वो पिंक अंडरटोन में ज़्यादा है। और इसका कंसीलर जो है वो येलो है, बहुत ज़्यादा कंसीलर जैसा नहीं लग रहा था, ये भी मुझे करेक्टर ही लग रहा था, और ये ऑरेंज करेक्टर है। तो आप इसको बाय कर सकते हो कहीं से भी, आप इसको इसके आउटलेट से भी बाय कर सकते हो, आप नायका से भी इसको ले सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको ये मिल जाएगा इजीली। थोड़ा ही एक्सपेंसिव साइड पे है, माय ग्लैम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव ही होते हैं। जो चिजलिट पैलेट थी वो भी 1250 रुपीज़ की थी, बट ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी गाइज। जो इसमें कोको शेड है वो परफेक्ट है फॉर डीप एंड टॉफी कम्प्लेक्शंस के लिए। कैपेचिनो जो है वो परफेक्ट है फॉर फेयर टू मीडियम एंड वार्म गोल्डन कम्प्लेक्शंस के लिए। और जो लाटे है वो परफेक्ट है फॉर वेरी फेयर बेज और लाइट कम्प्लेक्शंस के लिए, जो मेरे पास है। तो मैं बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं आती हूँ, मेरा मीडियम अंडरटोन है, तो इस वजह से ये मुझे मैच नहीं किया, बट ये गिफ्टेड है इस वजह से मैंने ले लिया। तो मैं ट्राई करना चाहती थी क्योंकि शेड मैच नहीं कर रहा था, बट इसका जो टेक्सचर है या जो इसका फॉर्मूला है मुझे वो सब देखना था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। और इसमें फिर आ गया हेज़लनट, जो परफेक्ट है फॉर मीडियम टू डीप कम्प्लेक्शंस के लिए। और इसमें शेड हनी है, वो है परफेक्ट फॉर मीडियम एंड वार्म बेज टू मीडियम गोल्डन कम्प्लेक्शंस। तो मुझे लगता है इसमें जो शेड हनी है वो शायद मेरी स्किन टोन का हो। और ये क्रुएल्टी फ्री है और वेगन भी। एंड व्हाट डज द FF स्टैंड्स फॉर? फ्लॉलेस फेस। तो फ्लॉलेस फेस देने का दावा ये करते हैं कि आपको फ्लॉलेस फेस मिलेगा। दिस लिटिल पैलेट इज पैक्ड विद द पावर ऑफ द प्राइमर कंसीलर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट विद SPF 30 एंड टू कलर करेक्टर्स। तो इसमें ये सब आपको मिल रहा है, कंसीलर, फाउंडेशन, सब SPF 30 वगैरह, और जो कंसील कर देगा आपके बैग्स को, डार्क सर्कल्स को, और साथ में जो भी ब्लैमिशेज हैं, इम्परफेक्शंस हैं जो भी आपके फेस पे ये क्लेम करता है, ये सब कुछ इसको हाइड कर देगा। और ये देता है आपको हाइड्रेटेड स्किन और साथ में ये आपको एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो भी देता है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 8-12 मंथ्स तक है। और इन्होंने कहा है कि ये शेयर टू फुल बिल्डेबल कवरेज देता है। और इसमें ही आपको प्राइमर भी मिल रहा है, तो आपको प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ।
थोड़ी देर में इसका डेमो भी आपको मैं देने वाली हूँ, तो उसी दौरान मैं आपको बताऊँगी कि ये मुझे कैसी लगी। पहले भी मैंने इसको एक दो बार अप्लाई किया हुआ है तो मुझे पता है कि इसका स्टे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये आपके फेस पे स्टे कर जाएगी 5 आवर्स तक ये आपके फेस पे फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर स्टे कर जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेमो, अभी मैं थोड़ी देर में इसका डेमो आपको दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने फेस पे अभी कुछ भी नहीं लगाया, तो पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूंगी। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का फेस ऑयल और ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरा फेवरेट है। ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें इन्होंने क्लेम किया है कि इसमें प्राइमर भी है, तो मैं प्राइमर नहीं लगाऊंगी, मैं सीधे फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। और अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले इसका करेक्टर, तो ये पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश के साथ। मैंने सोचा पहले मैं इसको ब्रश के साथ लगा के देखती हूँ। ये पैक का कंसीलर ब्रश है, अंडर आई एरिया में लगा रही हूँ मैं, जहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्का ऑरेंज, वैसे तो ये डार्क लग रहा था आपको बहुत पैन में, पर ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं है। तो और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि मैं फिंगर के साथ लगा के देखूँ, काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत अच्छे से ये मेरी फिंगर पे आ रहा था। और अब मैं फिंगर के साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, जहाँ जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल पिगमेंटेशन, और जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत फील हो रही है, मैं वहाँ वहाँ इसको अप्लाई करूँगी। मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर इसको अप्लाई करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। ये है फाउंडेशन और ये काफ़ी लाइट शेड है, पर ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एज़ यू कैन सी ईजिली मेरी फिंगर पर आ गई है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। तो मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया, तो देखिए आप कितना ज़्यादा लाइट शेड है, लाटे शेड का नाम है। तो अगर आप भी मेरी स्किन टोन की है तो आप ये शेड मत लेना। तो मैं अब ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। तो ये मैंने फील किया कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ईजिली स्टिक हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन आप प्राइमर ज़रूर लगा लें। इसमें क्लेम किया कि प्राइमर है इसके अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि वो इनका क्लेम ठीक है, क्योंकि पोर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, तो प्राइमर आप ज़रूर यूज़ करें। ये मेरी फर्स्ट लेयर थी, और जैसे कि ये फाउंडेशन आपको मीडियम टू शेयर टू मीडियम कवरेज देगी, आपको फुल कवरेज नहीं देगी, तो आपको सेकेंड लेयर चढ़ानी पड़ेगी अगर आपके फेस पर भी मेरे जैसे दाग वाग हैं। तो ये सेकंड लेयर मैंने चढ़ाई है और बहुत लाइट शेड होने की वजह से मैं नेक पे भी इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैच करे। और अब मैं इसका करेक्टर, येलो करेक्टर या कंसीलर आप बोल सकते हैं कि वो यूज़ करूँगी। तो ये हाइलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है और इसकी पिगमेंटेशन मुझे अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया में, नोज़ के ऊपर, और भी जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है वहाँ पर मैं सारी जगह इसको लगा लूँगी। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये भी काफ़ी क्रीमी और स्मूथ है। आप जब भी इसको यूज़ करें आप मेक श्योर करें कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज पहले अपना फेस कर लें, क्योंकि मॉइस्चराइज करने के बाद ही अच्छे से लग पाएगी। एंड इट इज़ गुड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पीपल। एंड आई हैव अप्लाइड सेकेंड लेयर ऑल्सो, और ये मेरा फेस ऐसा लग रहा है, बट सिर्फ शेड लाइट होने की वजह से मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने इसको टच करके भी देखा है, तो टच करने से ये स्टिकी स्टिकी सा फील हो रहा था मुझे, तो मुझे फील हो रहा था कि पाउडर से तो इसको सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हाथ पे भी लगे जा रही थी मेरे। तो मैंने, मेरे पास है के प्ले का वनीला फ्लेवर, ये कॉम्पैक्ट है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊं, माइग्लैम का ही है ये। तो इससे क्या हुआ कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा मैट फिनिश दी इसने और बहुत अच्छा लगा मुझे, कवरेज भी मिल गई। तो आपको पाउडर ज़रूर लगाना है इसको लगाने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है तभी और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी बेस आपकी। तो ये था इसका डेमो। तो आपने देखा इसने मेरे फेस पे ठीक, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत मुझे पसंद आया है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये शेड मेरी स्किन टोन का नहीं है, शायद उस वजह से भी मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा था, बट फॉर्मूला वगैरह सब अच्छा है। और एक ही सबसे बड़ी बात है कि आप के पास ये एक ही पैलेट में सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर जैसे कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मिरर आपको मिल रहा है जिसमें आप अपना फुल फेस मेकअप कर सकते हो इजीली। और साथ में इसके साथ जो फाउंडेशन है वो भी आपको मिल जाएगी इसी पैलेट में, कंसीलर भी है और साथ में करेक्टर भी है। आप इसको करेक्टर कह लो, कंसीलर कह लो, जो भी है, लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हो ब्राइटनेस लाने के लिए अपने फेस के ऊपर। तो ये अच्छी है पैलेट, जैसे अगर आपको बहुत हैवी मेकअप नहीं करना है, अगर आपको
यू नो सटल मेकअप चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। आप कहीं घूमने गए हो और वहाँ पे आप दिन के टाइम बाहर निकल रहे हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो, कि उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ आपको बस एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि इन्होंने बोला है कि इसमें पाउडर है, बट ऐसा नहीं है, आपको पाउडर यूज़ करना पड़ेगा अगर आप इसको सेट करना चाहते हो, तो पाउडर आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा और ज़्यादा हैवी अगर आपको नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली जब हम घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे हैवी मेकअप तो नहीं करते, वहाँ पे हम लाइट ही करना पसंद करते हैं, ठीक ठीक जो हमारे थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स वगैरह छुपा दे या जो भी इवन कर दे हमारी स्किन को, तो वैसा ही हमें कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए परफेक्ट है। और अगर आप ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद करते, थोड़ा बहुत ही लगाना अच्छा लगता है आपको, शादियों में भी जब जाते हो आप तो नहीं अच्छा लगता आपको ज़्यादा मेकअप करना, तो आप तब भी इस पैलेट को ले सकते हो। फुल कवरेज अगर आप सोचते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा फुल कवरेज इसकी फाउंडेशन जो है वो देगी आपको, तो ऐसा नहीं है, ये शेयर टू मीडियम कवरेज आपको दे सकती है, और करेक्टर वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत आपका और अच्छे से इसका बेस जो है वो अच्छे से आपकी रेडी हो जाएगी करेक्टर्स की वजह से। तो गाइज़ ये सबसे अच्छी रहेगी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, मेरी कॉम्बिनेशन है बट अब मुझे फिर भी नीचे लगाना पड़ा था क्योंकि ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा ड्राई चल रहा है, तो इस वजह से मेरी स्किन ड्राई हो गई है। ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं तो इसके लिए आपको नीचे ज़रूरी है आप मॉइस्चराइज अच्छे से करो, जैसे कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करो। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है तो आप क्रीम वगैरह से आप अपना फेस मॉइस्चराइज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है मॉइस्चराइज करने के लिए, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। और जैसे प्राइमर के लिए इन्होंने बोला हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमर वाला तो मुझे इसमें कुछ खास दिखा नहीं, तो आप अगर प्राइमर भी अप्लाई करते हो तो आई गेस कि इसकी जो इसका स्टे है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। वैसे तो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि इसमें प्राइमर है ऑलरेडी, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। अगर आप प्राइमर लगा लें तो और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। एक तो आपको प्राइमर लगाना है, जो इन्होंने क्लेम किया है वो मुझे नहीं लगा कि है कुछ मेरे अकॉर्डिंगली, और आपको कॉम्पैक्ट अपने साथ रखना है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसके साथ आप अपना मेकअप कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए थम्स अप करूँगी, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, अगर आपको सटल मेकअप चाहिए और अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं उठाने हैं ट्रैवल अगर आपको करना है कहीं पे, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए इसको रखना है तो वो नहीं है ये। आप इसको ले सकते हो, एक ही पैलेट में तीन तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट पाउडर और प्राइमर आपको रखना पड़ेगा। ये था मेरा रिव्यू इस पैलेट के ऊपर। आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।